काफ़ी ऑयली लग रहा है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ खाऊंगा नहीं, फेंक दूंगा और इसे खिलाऊंगा। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, सब नहीं खाता ऑयली फॉयली। क्या है तुम्हारा अंदर दिखा, ये कितना गजब का सोफिस्टिकेटेड है, निकल गया है। एक्सप्रेस में और हम लोग इसमें न्यू जलपाईगुड़ी तक ट्रैवल करने वाले हैं, तो देखते हैं। बहुत साल पहले पौधी में जर्नी किया था ऑलरेडी और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। अब विंटर था, अभी समर है और दार्जिलिंग जा रहा हूँ, तो बनता है एक ब्लॉग। और अभी हम लोग बहुत पहले आ चुके हैं, अभी टाइम हो रहा है 6:00 बहुत पहले आ चुके हैं, तो देखते हैं। अभी वेटिंग हॉल में जाएंगे, फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल में, उसके बाद बैठेंगे, उसके बाद ट्रेन को पकड़ेंगे। अभी एक खूबसूरत सा शाम हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में सियालदह स्टेशन, और इधर नेशनल फ्लैग है और हम लोग अभी अंदर चले। अभी हम लोग आए हैं ISRC फूड स्क्वायर ना, स्क्वायर में, और यहाँ पर डिनर करेंगे। तीन भेज थाली दिया है लेकिन रोटी ख़त्म है। सीट कैसा लग रहा है? ठीक ठाक है, भेज थाली में सीट ठीक ठाक है। सीट नहीं, RAC है ख़त्म, अरे वाला पूरा ख़त्म। मेरा भाई साहब रात का खाना, तो रोटी ख़त्म हो चुका है इसलिए भात का क्वान्टिटी थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया, और ये मटर पनीर की कुछ सब्जी है, दाल है, पापड़ है, सलाद है, बस ये वाला क्या है। सियालदह में छोड़ रहा है और ए ट्रेन बहुत बता दो, पौधी इसमें डेली चलता है और टोटल टाइम लेता है सियालदह से न्यू वाली होता है 10 घंटा। हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी पहुँचेंगे सुबह के 9:10 पे, और मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड है इसका 130 बिटवीन डानपुनी एंड खाना, ठीक है। तो देखते हैं कितना, तो जग पत्ते RAC है तो देखना होगा, थोड़ा सा मैनेज करना होगा। और इधर से भाई साहब सियालदह में निकल गया, बहुत देर खड़ा रहा उसके बाद निकला। तो भाई हम लोग का सीट तो RAC है, तो हम लोग मैच कर लेंगे मैनेज, क्योंकि दुबला पतला है दोनों ही, तो हो जाएगा एडजस्ट। अब PBDT से बात करेंगे, अगर हो सके तो ले लेंगे। जो भी हो, तीन जन है और एक जन का मतलब RAC था, लेकिन एक बोला कि कन्फर्म है, तो उसका मतलब हस्बैंड वाइफ था तो दे दिया उसको, तो ठीक है हम दोनों मैनेज करके जाएंगे। तो कैसा लग रहा है अभी? अभी ठीक ही लग रहा है, बस RAC का। हाँ, तो दार्जिलिंग में पूरा घूमेंगे, मजाक मस्ती होगा। और अभी थोड़ा इधर बाकी है, देख सकते हो टाइम हो रहा है 11:15 एंड 5 मिनट बाकी है अभी, और इसके बाद ही होगा डिपार्चर। Skipping dum dum.
এরপরে
ब्रेकफास्ट, एक में वेज नॉन वेज, दिस वन इज योर्स नॉन वेज एंड टू वेज कटलेट. ओके सॉस आई डोंट नो बट अनबॉक्सिंग करते हैं देखते क्या है इसमें. तो ना गलत निकल गया, ये वाला है रेड ऑमलेट एंड दिस इज योर्स. एक्चुअली हम लोगों ने ऑर्डर दिया था दो वेज कटलेट एक ऑमलेट, लेकिन हम लोग को दिया गया दो ऑमलेट एक वेज कटलेट. तो देखते क्या किया जा सकता है. करेंटली वी आर इन डालखोला स्टेशन को डीएल के काटिया डिवीजन और एनएफआर जोन के अंदर आता है. यहाँ पर हम लोग आधा घंटा लेट है बहुत ही एक्सप्रेस और काफ़ी ज़्यादा नहीं सोया, 5 घंटा सोया ओनली. और यहाँ से डिपार्चर देंगे और ये उत्तर दिनाजपुर में पड़ता है. ठीक है, काफ़ी देर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, क्राउड एकदम पूरा पैक्ड है. वी हैव डिपार्टेड डालखोला 7:34, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लेट. अभी टाइम हो रहा है 8 AM. यहाँ पर दो प्लेटफॉर्म है और 7 ट्रैक्स है और 1 प्लेटफॉर्म अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये एनएफआर जोन एंड काटिया डिवीजन के अंदर आता है. यहाँ पर भी हम लोग आधा घंटा लेट है, देखते हैं कब डिपार्चर होता है. बिहार में और यहाँ से लगभग 1.5 घंटा और लगेगा NGP होपफुली, और देखते हैं कितने तक टाइम लेता है. और साफ़ सफाई बहुत बढ़िया है, सियादा डिवीजन का साफ़ सफाई का कोई बात ही नहीं है, कंटिन्यूस साफ़ सफाई चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है. चलते हैं अंदर अभी. में भी क्लाउडी वेदर है, देखते हैं क्या होता है और आई टाइम पहुँच जाएंगे, देखते हैं.
में भी कितना साफ सुथरा है, लेकिन टॉयलेट थोड़ा सा गंदा है अभी लास्ट टाइम। ईस्ट एनजेपी न्यू जलपाईगुड़ी और स्टेशन कोड एनजेपी है और यहाँ पर 9 प्लेटफॉर्म है, 2 मीटर गेज और 7 ब्रॉड गेज और ये भी काटिया डिवीजन एनएफआर जोन के अंदर आता है। काफ़ी खूबसूरत स्टेशन है और वहाँ पर शायद एकदम सामने देख सकते हो वहाँ पर शायद टॉय ट्रेन आएगा होपफुली। जो भी हो ब्लॉग को ये एंड करते हैं, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, इसके बाद और भी ब्लॉग आएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना भाई साहब। पौधी एक्सप्रेस का जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है। और आप लोगों को कैसा लगा? ठीक ठाक, ट्रेन का मेंटेनेंस बहुत अच्छा। तुम कुछ बोलना चाहते हो? आरएसी कंफर्म हो गया, यही अच्छा बात। हाँ, हम लोग को रात, मैं एक चीज़ बोलना भूल ही गया, रात को मेरा सीट कंफर्म हो गया था बर्धमान के बाद, मतलब एक मिल गया था सीट और तीनों ही आराम से सोए, तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। और ठीक है, यहीं पर रखते हैं, टाटा बाय बाय।